सीबीएसई पार्ट वन पेपर थ्री का जो टॉपिक है वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या इंसेमिनेशन या परागण पॉलिनेशन या फीकंडेशन या सिनगेमी या इंप्रेग्नेशन भी बोलते हैं। और वास्तव में फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, यानी कि युग्मकों का संलयन, ताकि एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या जन्म हो सके। फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पर्म न्यूक्लियस यानी शुक्राणु के केंद्रक जो कि पितृ ओरिजिन का होता है और अंडाणु के केंद्रक को मिलना कहलाता है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जंतुओं के अंदर, हर जंतु के अंदर फर्टिलाइजेशन वास्तव में पिता और माता के हेरिडिटरी मटेरियल जो आनुवंशिक पदार्थ है उनके संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है उसको कई सारे चरणों में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुक्राणु के अंदर कैपेसिटेशन, स्पर्म कैपेसिटेशन। सबसे पहला जो चरण है वो है, हम जानते हैं कि नर युग्मक है शुक्राणु और मादा युग्मक है अंडाणु। तो शुक्राणु गतिशील होता है, चलायमान होता है और शुक्राणु जो है उसके अंदर निषेचन, अंडे को निषेचित करने की क्षमता होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस कलेक्टिवली आते हैं तभी जाकर वह अंडाणु को निषेचित कर सकता है। जो सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, जो इतने सारे परिवर्तन उनमें देखे जाते हैं, हम उनको कैपेसिटेशन कहते हैं। शुक्राणु की हम फाइनल संरचना या जब परिपक्व शुक्राणु की संरचना देखते हैं जो स्पर्मेटिड से बनता है, तो उसमें प्लाज्मा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में होता है, शीर्ष भाग में केंद्रक होता है जिसके चारों तरफ प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह होते हैं। उन सबके रिमूवल को एक्चुअली स्पर्म जो है उसकी पूरी एक तरह से क्लीनिंग होती है। उसमें जो भी सेमिनल प्लाज्मा लगा हुआ है, प्रोटीन है, लिपिड्स एंड प्रोटीन है, वो वहां से उनका निष्कासन होना जरूरी है ताकि वो एक सीधे संरचना बन सके। इट ऑल्सो सीम्स टू इन्वॉल्व एन इनफ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम, यानी कि शुक्राणु के अंदर कैल्शियम का गमन होना जरूरी होता है जिससे साइक्लिक एएमपी जो है उसका उसमें बढ़ोतरी होती है और इंट्रा सेल्यूलर पीएच जो है उसमें कमी होती है, यानी कोशिका के अंदर जो पीएच होती है उसमें उसकी जो है उसके अंदर डिक्रीज होना चाहिए। पीएच में कमी का मतलब होता है कि अम्लीय माध्यम उसके अंदर होना चाहिए। कैपेसिटेशन जो होता है वो जब स्पर्म में तब देखा जाता है, शुक्राणु के अंदर तब होता है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उपस्थित होता है और लेंथ, उसका जो लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड वेरियस विद स्पीशीज बट यूजुअली रिक्वायर सेवरल आवर्स। कैपेसिटेशन जो है वो उसको हम देखते हैं कि कैपेसिटेशन बहुत लंबा टाइम लेता है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, उसको काफी लंबा टाइम तक रहना पड़ता है ताकि उसके अंदर कैपेसिटेशन हो। स्पर्म का जो मैमल्स है वो स्पर्म का जो कैपेसिटेशन है वो मैमल्स के अंदर आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है ताकि उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज किया जा सके। तो जो स्पर्म के अंदर कैपेसिटेशन हो चुका होता है उसको हम हाइपर एक्टिवेटेड स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हटाना, उसका हटना ताकि एक्रोसोम की प्रक्रिया हो सके और उसकी उसके अंदर मुख्य रूप से दो इफेक्ट होते हैं। एक तो डीस्टेबिलाइजेशन ऑफ एक्रोसोमल स्पर्म हेड मेम्ब्रेन, जो एक्रोसोम के मेम्ब्रेन झिल्ली होती है उसका हटना ताकि वो अंडे की झिल्ली को तोड़कर पेनिट्रेट करके अंदर एंटर कर सके, और जो केमिकल चेंजेस टेल में होते हैं ताकि वो स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो उसको मिल सके, स्पर्म जो है वो मोटाइल हो सके, गतिमान हो सके। और ये जो चेंजेस होते हैं वो
कोलेस्टेरॉल जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि के रिमूवल से या निष्कासन से होते हैं, और कुछ और ग्लाइकोप्रोटीन जो सेमाइनल और एपिडिडाइमल ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित होते हैं वो भी स्पर्म के चारों तरफ से हटा दिए जाते हैं। तो इसमें कैल्शियम की परमियाबिलिटी या पारदर्शिता बढ़ जाती है, कैल्शियम का इनफ्लक्स या अंतर्गमन बढ़ जाता है। और कैल्शियम का बढ़ना जरूरी है क्योंकि वही साइक्लिक एएमपी जो है उसको बढ़ाता है और स्पर्म को मोर्टेलिटी का प्रोवाइड करता है, गति प्रोवाइड करता है। एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड, जो कि कैपेसिटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए इस तरह से स्पर्म जो है उसमें कैपेसिटेशन देखा जाता है। ये स्पर्म है जिसमें हेड है, मिडिल पीस है और टेल है, जिसमें कि पूरा कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग होती है। हेड है, क्रोसोम्स के सिर पे भी कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग होती है। अब इस कोलेस्ट्रॉल की कोटिंग के साथ में ये अंडे की झिल्ली को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसके अंदर भेदन नहीं कर सकता है, तो इन सब एक्स्ट्रा जो भी प्रोटीन वगैरह है इनका निष्कासन हटना जरूरी है ताकि स्पर्म जो है वो लाइट हो जाए और मोर्टेलिटी या गति इसकी बढ़ जाए। तो कैपेसिटेशन के प्रोसेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल का विड्रॉल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, सरफेस का जो प्रोटीन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनः वितरण हो जाता है, और कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाता है, कैल्शियम अंदर ताकि बढ़ जाता है ताकि साइक्लिक एएमपी बढ़ जाए और उसकी मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ जाए, उसकी गति बढ़ जाए और एक कोड़े की जैसे विप्लैश लाइक मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़े। अब ये जो कैपेसिटेटेड हाइपर एक्टिव स्पर्म है ये फिर अंडाणु की कोरोना रेडिएटा को भेद कर जोना पेलुसिडा से कॉन्टेक्ट करता है एक्रोसोम रिएक्शन के द्वारा। तो स्पर्म का जोना पेलुसिडा पर अटैच होना भी रिसेप्टर लिगैंड इंटरेक्शन है, स्पीशीज स्पेसिफिसिटी होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो अंडाणु है वो उसी स्पीशीज के स्पर्म उसी में ही भेज सकता है, दूसरा किसी भी जंतु का स्पर्म जो है वो नहीं अंडाणु की झिल्ली को भेज सकता। जोला पेलुसिडा के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक तरह से स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्म के कैपेसिटेशन में है एक्रोसोम रिएक्शन, यानी जो एक्रोसोम होता है केंद्रक के ऊपर जो एक्रोसोम वाला भाग है वो जोना पेलुसिडा से अटैच किस तरह से होता है। एंजाइमेटिक ड्रिल एक तरह से ये होती है, एंजाइम जो है वो ड्रिल प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म जो जोना पेलुसिडा प्रोटीन है वो स्पर्म का रिसेप्टर होता है, सीरीज ऑफ इवेंट इनके अंदर देखे जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस होता है और फिर इस तरह से देखिए ये न्यूक्लियस है, ऊपर एक्रोसोम का ग्रेन्यूल है, जो एक्रोसोम का ग्रेन्यूल है प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल पहले होता है, ये केंद्रक की झिल्ली है, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगले स्टेप के अंदर ये एक्रोसोमल ट्यूब बनती है बीच में, ये जो एक्रोसोमल ट्यूब है वो फिर और लंबी होती है ये इस तरह से, और प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इसके अंदर ट्रेवल करता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये पेरी एक्रोसोमल मटीरियल जो है वो इस ट्यूब में आता है, ये ट्यूब और लंबी होती चली जाती है और एग मेम्ब्रेन को भेदती है, और फाइनली ये जो एक्रोसोमल ट्यूब है वो इतनी इलॉन्गेट हो जाती है कि वो जोना पेलुसिडा को भेद कर अंडे तक अंदर तक पहुंच जाती है एक्रोसोमल ट्यूब, और अपने साथ ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल को कैरी करके लाती है, ये पीछे पीछे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है वो इसके अंदर एंटर करता है। ये संपूर्ण रिएक्शन जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन कहलाती है। और द कांस्टेंट प्रोपल्सिव फोर्स जो है, जो भेदने का जो फोर्स है स्पर्म का, जो वो है जो स्पर्म का जो फ्लैजिला है जो टेल है वो लगातार बीट करके उसको आगे पहुंचाता है एक्रोसोमल एंजाइम की मदद से, वो एक तरह का ट्रैक्ट बनाता है। हमने आपको बताया अभी कि किस तरह से ट्रैक्ट बनता है, ट्यूब बनती है जिसमें एंजाइम्स और मोर्टेलिटी दोनों जो है वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसको अपने पीछे पीछे लेकर आते हैं और अंडे की झिल्ली के पार कराते हैं। देखिए इस तरह से ये स्पर्म है, स्पर्म का ये हेड है, न्यूक्लियस एक्रोसोम है जिसके जिसके चारों तरफ कोटिंग है मेसेंट्रियल। जैसे ही ये इसके पास आता है, जोना पेलुसिडा के पास में आता है, वैसे ही एंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से वो कार्य करते हैं और ये पीछे इस तरह से एक्रोसोमल ट्यूब प्रोसेस बनती है, एक्रोसोमल ट्यूब बनती है और ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एक्रोसोम के पीछे 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 चल के यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर पूरी तरह से जो है ऊपर से झिल्ली टूट जाती है, एक्रोसोमल की जो ट्यूब है वो अंदर आ जाती है और पीछे न्यूक्लियस को अंदर ला के यहाँ पर छोड़ देती है। सो
एक्टिविटी जो है इसको हम पूरे को एक्रोसोम रिएक्शन कहते हैं। देखिए तो पहले अगर एक बार जो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा को भेद देता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ओसाइट की उससे फ्यूज करता है और बाइंडिंग अकर्स एट द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पर्म हेड। स्पर्म का जो सिर है उसके पिछले भाग से वहां पर बाइंडिंग होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन और एप्स के अंदर इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस होते हैं जीन एनकोडिंग में फेरिटिन, तो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का तरीका इनका अलग है। दिस इज अगेन ये स्पर्म है, इसका ये एक्रोसोम है, ये मिडिल पीस है, ये टेल है। एक्रोसोम के ऊपर हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनीय एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी झिल्ली को अंडाणु की झिल्ली को भेदते हैं। एक्रोसोमल ट्यूब बनती है, ये एक्रोसोमल ट्यूब अपने पीछे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स को लेके आ रही है, उसके पीछे पीछे न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है। इस तरह से जो पेरिविटिलाइन स्पेस है अंडाणु के चारों तरफ जो स्पेस है वहां पर ये एक्टिविटी करता है एक्रोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज करती है इस पॉइंट पर और फिर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंडाणु के अंदर एंटर कर जाता है। पूरी प्रक्रिया स्पर्म के कैपेसिटेशन के बाद में एक्रोसोम रिएक्शन के द्वारा पूरी होती है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि किस तरह से जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंडाणु की झिल्ली को भेद कर अंदर एंटर करता है और अंडाणु के अंदर ऑलरेडी उपस्थित जो अंडा है, जो हैप्लॉइड अंडा है जिसमें 23 जो क्रोमोसोम्स उपस्थित है और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, हम जानते हैं कि युग्मन ये जो गेमीट्स बनते हैं युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इस तरह से ये दोनों ही केंद्रक जो है वो अब अंडाणु के अंदर उनका संलयन होता है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम एग एक्टिवेशन एंड द कॉर्टिकल रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।